आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है और इस गठबंधन ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। कांग्रेस आप गठबंधन का असर दिखाई देने लगा है और इस गठबंधन की मजबूती से बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसलती दिख रही है। 72 घंटे में बीजेपी की सत्ता फिसल जाएगी, तो कहां की सत्ता जा रही है बीजेपी के हाथ से, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन तय हो चुका है, सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और इस बीच बीजेपी के हाथ से चंडीगढ़ की सत्ता फिसलती दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 18 जनवरी को चुनाव होना है और इस चुनाव में कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन हो गया है। गठबंधन में आपके हिस्से मेयर पद जबकि कांग्रेस के हिस्से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद आया है और इस गठबंधन के तैयार होते ही चुनाव परिणाम भी तय हो गए हैं। 2 साल से मेयर और डिप्टी मेयर का पद जीतने वाली बीजेपी की हार तय हो गई है, यानी इंडिया गठबंधन बीजेपी के हाथ से चंडीगढ़ की सत्ता छीनने को तैयार है। गठबंधन का ऐलान करते हुए कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बना है, उसमें कांग्रेस और आप दोनों शामिल हैं। दोनों ही दलों के शीर्ष नेताओं के बीच मीटिंग हुई है, आम सहमति बनी हुई है कि सभी को एक होकर लोकतंत्र को मजबूत करना है, उसी को लेकर फैसला हुआ है कि मेयर का पोस्ट आप लड़ेगी, वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस लड़ेगी। अच्छे बहुमत से हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम में अगर दलगत स्थिति को देखें तो 35 सदस्यों वाले निगम में बीजेपी के पास 14 सदस्य हैं। निगम चुनाव में सांसद को भी वोट देने का अधिकार है, जिससे बीजेपी की वोटों की संख्या 15 हो जाती है, जबकि एक सदस्य अकाली दल का है। दूसरी ओर आपके पास 13 और कांग्रेस के 5 पार्षद हैं। कांग्रेस और आप गठबंधन के पास बहुमत है और चुनाव में उसकी जीत तय है। बीजेपी अभी तक सत्ता में इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस वोटिंग का बहिष्कार कर जाती थी, जिसे आप उम्मीदवार 1-2 वोट से हार जाता था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।